हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूं नाजिश हैदर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल नाजिश एकेडमी पर तो आज मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट लेकर आई हूं उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन अपडेट ओसीएस मेंस शेड्यूल आउट हो चुका है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें मिलेगी आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और गूगल पर सर्च करेंगे ओ पी एस सी डॉट जी ओ वी डॉट इन ओ सी एस ट्वेंटी ट्वेंटी मेन रिटर्न एग्जामिनेशन प्रोग्राम नोटिस इस पर क्लिक करना है व्यू पी डी एफ तो इस तरह से पीडीएफ खुल जाएगा उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन कटक इट इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑलिशन टू कंडक्ट द ट्वेंटी ट्वेंटी जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू सिक्स फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एक्सेप्ट ट्वेंटी जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड 5 फरवरी 2022 थाउजेंड टू परटीजमेंट नंबर 07 ऑफ 2020 टू ट्वेंटी वन एज पर द प्रोग्राम डिटेल्ड बिलो तो देखिए यहाँ पर प्रोग्राम दिया हुआ है फॉर ओडिशा सिविल सर्विसमिनेशन ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए फॉर नून सेशन नौ बजे से बारह बजे तक के लिए है ये से पेपर होंगे बीस तारीख को होगा उड़िया लैंग्वेज फिर इक्कीस को होगा जनरल स्टडीज पेपर वन का एग्जाम बाईस को होगा बाईस जनवरी दो हजार बाईस को इंग्लिश ऐसे तेईस जनवरी दो हजार बाईस को हिस्ट्री पेपर वन साइकोलॉजी पेपर वन ये एग्जाम होंगे फिर 24 जनवरी 2022 को होगा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पेपर वन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर वन 25 को होगा बॉटनी पेपर वन इकोनॉमिक्स पेपर वन फिजिक्स पेपर वन ये पेपर वन के एग्जाम होंगे 27 सेवन जनवरी 2022 को होगा जियोग्राफी पेपर वन 28 जनवरी 2022 को होगा इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर लिटरेचर इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर वन इंग्लिश स्लैश हिंदी स्लैश उड़िया स्लैश परसियन स्लैश संस्कृत स्लैश उर्दू ट्वेंटी नाइन को होगा फॉरेस्ट्री पेपर वन थर्टी को होगा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पेपर वन सिविल इंजीनियरिंग पेपर वन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर वन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर वन थर्टी फर्स्ट को होगा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर टू फिर एक फरवरी को जो एग्जाम होगा 2022 हजार बाईस एक फरवरी 2022 वो होगा फॉरिस्ट्री पेपर टू दो फरवरी 2022 इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर टू इंग्लिश स्लैश हिंदी स्लैश उड़िया स्लैश परसियन स्लैश संस्कृत स्लैश उर्दू फिर तीन फरवरी को जो एग्जाम होगा वो होगा जियोग्राफी पेपर टू चार फरवरी को बॉटनी पेपर टू इकोनॉमिक्स पेपर टू फिजिक्स पेपर टू सिक्स फरवरी को होगा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पेपर टू सिविल इंजीनियरिंग पेपर टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर टू ठीक है तो ये सारे एग्जाम्स जो है ये फोरनून सेशन में होंगे एग्जाम मतलब कि नौ बजे से बारह बजे तक ये एग्जाम होगा और अब हम बात करते हैं आफ्टरनून सेशन मतलब कि दो बजे से पांच बजे तक कौन कौन से एग्जाम होंगे तो देखिए बीस तारीख को मतलब कि बीस जनवरी दो हजार बाईस को इंग्लिश का एग्जाम होगा इक्कीस जनवरी दो हजार बाईस जनरल स्टडीज पेपर टू तेईस जनवरी दो हजार बाईस को होगा केमिस्ट्री पेपर वन फिशरीज साइंस पेपर वन लॉ पेपर वन मैथमेटिक्स पेपर वन स्टैटिस्टिक्स पेपर वन चौबीस को होगा एंथ्रोपोलॉजी पेपर वन सोशोलॉजी पेपर वन फिर पच्चीस को होगा एग्रीकल्चर पेपर वन एनिमल हजबेंड्री एंड वेटनरी साइंस पेपर वन एजुकेशन पेपर वन सत्ताईस को होगा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पेपर वन मैनेजमेंट पेपर वन जुलॉजी पेपर वन फिर अट्ठाईस को होगा होम साइंस पेपर वन उन्तीस को होगा जियोलॉजी पेपर वन फिलोसफी पेपर वन को होगा हिस्ट्री पेपर टू साइकोलॉजी पेपर टू फिर थर्टी फर्स्ट जनवरी दो हजार बाईस को होगा केमिस्ट्री पेपर टू फिशरीज साइंस पेपर टू लॉ पेपर टू मैथमेटिक्स पेपर टू एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर टू वन फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को जो होगा पेपर वो होगा होम साइंस पेपर टू फिर दो फेबर को होगा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पेपर टू मैनेजमेंट पेपर टू जूलॉजी पेपर टू फिर थ्री को होगा थ्री फेबरवरी एग्रीकल्चर पेपर टू एनिमल हजबेंड्री एंड वेटरनरी साइंस पेपर टू एजुकेशन पेपर टू अब देखिए फिर यहाँ पे फोर फेबर को जो एग्जाम होगा वो होगा एंथ्रोपोलॉजी पेपर टू सोशियोलॉजी पेपर टू एंड लास्ट सिक्स फेबर को एग्जाम होगा जियोलॉजी पेपर टू फिलोसफी पेपर टू अब यहाँ पे देखिए द पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट विल बी गिवेन वन आवर एक्स्ट्रा टाइम इन ईच सी फ्रॉम नाइन ए एम टू वन पी एम एंड 2 pm to 6 pm and the admission certificate and instruction to candidates for the aforesaid examination will be uploaded in the website of commission shortly. The candidates are required to download their admission certificate and instruction to candidates from the website of the commission at opsc.gov.in for admission to the examination center. द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप इन कॉन्स्टेंट टच विद द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ओपीएससी डॉट जीओवी डॉट इन रेगुलरली तो ये थी आज की जानकारी तो इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहे और अगर मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेलाइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के गवर्मेंट जॉब अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ